हेलो गाइस, मैं मुसीबुल, आप लोग देख रहे हैं मेरा आपके यूट्यूब चैनल जुगांतो द्वारा। इस वीडियो में बताऊंगा वार वीसा का टाइमिंग और प्रोसेसिंग के बारे में बताऊंगा, वार वीसा मिलने में जितना सारा स्टेप है पूरा स्टेप के बारे में बताऊंगा, और टोटली कितना टाइम लगता है वार वीसा मिलने में, आपका इंटरव्यू से लेकर आपका वीसा आपके हाथ में आने तक कितना टाइम लगता है पूरा डिटेल्स इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो ये वीडियो अगर कम्प्लीट देखेंगे तो वार वीसा रिलेटेड आपको थोड़ा सा भी डाउट नहीं रहेगा, और वार वीसा में कितना सारा स्टेप है और कौन सा स्टेप में वीसा का स्टेटस क्या होता है वो भी आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है जरूर सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन प्रेस करके रखिए, इसी तरह हेल्पफुल वीडियो अनुसार कर मिलता रहेगा। कतर का वर्क वीसा पाने के लिए आपका किसी भी कंपनी का इंटरव्यू देना पड़ेगा, क्या कि किसी भी कंपनी का सीवी सिलेक्शन होगा, उस सीवी सिलेक्शन में आपको हिस्सा लेना पड़ेगा, उस सीवी सिलेक्शन में आपको सीवी वगैरह जमा करना पड़ेगा। कंपनी सीवी देख के आपको सिलेक्ट करते हैं, आपको डायरेक्ट इंटरव्यू में सिलेक्ट करते हैं। तो दोनों जो प्रक्रिया है इस दोनों में आपको वर्क वीसा मिल सकता है, ऐसा नहीं आपका क्लाइंट इंटरव्यू में से वर्क वीसा मिलता है आपका सिविल सिलेक्शन वर्क वीसा नहीं मिलता, इस तरह से नहीं है। आपका वो इंटरव्यू देके वर्क वीसा मिल सकते हैं, आपका सिविल सिलेक्शन में आपको वर्क वीसा मिल सकते हैं, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा आपको कौन सा वीसा लेके जाएगा। तो आपका सिविल सिलेक्शन हो गया है, आपका इंटरव्यू हो गया है और इंटरव्यू में अभी सिलेक्ट हुआ है, उसके बाद आपको कंपनी ऑफर लेटर दे भी सकते हैं, ऑफर लेटर नहीं भी दे सकते, ऑफर लेटर मेंटर नहीं है, ज्यादातर कंपनी ऑफर लेटर देता है। तो ऑफर लेटर आपको मिल गया है, तो ऑफर लेटर मिलने के कितना दिन बाद आपको वीसा अप्लाई होगा, आपका जो मिनिमम टाइम है 1 हफ्ता और मैक्सिमम टाइम 20 दिन भी लग सकते हैं। आपका जो कंपनी आपको सिलेक्ट किया है तो वो कंपनी आपका पासपोर्ट नंबर से आपका वीसा अप्लाई करेगा, आपका जो इंटरव्यू है इंटरव्यू से आपका ऑफर लेटर मिला है, ऑफर लेटर मिलने के बाद आपका 10 दिन का 20 दिन के अंदर ही आपको वीसा अप्लाई हुआ है। तो आपका वीसा अप्लाई हो गया है, तो वीसा जैसे अप्लाई होगा और आपका पासपोर्ट नंबर से कतर का MOI वेबसाइट में अगर चेक करेंगे तो इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, तो आपका वीसा का स्टेटस अंडर प्रोसेस दिखाएगा, इस तरह से शो होगा अंडर प्रोसेस दिखाएगा। दूसरा स्टेप आपका कंप्लीट हो गया है तो तीसरा स्टेप में क्या होगा, तीसरा स्टेप में जो कंपनी है वो कंपनी आपका जो वीसा मिला है और जो वीसा नंबर से KBC मेडिकल के लिए अपॉइंटमेंट बुक करेगा। अपॉइंटमेंट जैसे बुक कर लिया है, अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आपका जो KBC सेंटर के लिए बुक किया है उस KBC सेंटर में जाके आपको KBC मेडिकल कराना पड़ेगा। जैसे KBC मेडिकल के लिए आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगे कंपनी, उसके बाद इस तरह से आपका जो वीसा का स्टेटस इस तरह से शो करेगा। अपॉइंटमेंट अगर 3 दिन के अंदर कि 4 दिन के अंदर अपॉइंटमेंट बुक करेगा तो 4 दिन के बाद ही आपको जो मेडिकल सेंटर होता है जिस मेडिकल सेंटर के लिए आपको बुकिंग किया है वही मेडिकल सेंटर में जाकर आपको मेडिकल करना पड़ेगा। आपका KBC मेडिकल हो गया है तो KBC मेडिकल का जो रिपोर्ट है वो सबमिट होने में थोड़ा लेट भी हो सकते हैं, जल्दी भी हो सकते हैं, ये एक कंपनी के हाथ में नहीं है और जो कैंडिडेट के हाथ पे भी नहीं है। तो KBC मेडिकल में अगर आप फिट होते हैं तो अब आपको 1 हफ्ते के अंदर ही आपका जो रिपोर्ट होता है सबमिट हो जाता है। अगर हम KBC मेडिकल में फिट नहीं होंगे, अनफिट होंगे, क्या दूसरा मेडिकल के लिए बुलाएगा तो वो सिचुएशन में आपको मेडिकल और एक बार आपको उसी सेंटर में और एक बार आपको जाना पड़ेगा और फिर आपको मेडिकल टेस्ट करना पड़ेगा। ये अगर आपका रीमेडिकल होगा तो अभी आपको बुलाएगा, अगर मेजर अनफिट होगा तो अनफिट भी आपको करा सकते हैं। अगर KBC मेडिकल में आप फिट होंगे 1 हफ्ते के अंदर ही मेडिकल रिपोर्ट सबमिट हो जाएगा, अगर आपका रीमेडिकल होगा तो वो सिचुएशन में आपको लेट होगा क्योंकि आपका जो मेडिकल रिपोर्ट सबमिट नहीं होगा क्योंकि दूसरा बार मेडिकल में आपको बुलाएगा, दूसरा बार आप जाएंगे फिर मेडिकल होगा उसके बाद मेडिकल रिपोर्ट सबमिट होगा। अगर इस तरह से आपका मेडिकल में अनफिट होगा तो आप मेडिकल रिपोर्ट सबमिट होने में आपको टाइम लग जाएगा। KBC मेडिकल में फिट होंगे तो 1 हफ्ते के अंदर आपको मेडिकल रिपोर्ट सबमिट हो जाएगा। तो मेडिकल रिपोर्ट आपको सबमिट हो गया है, आपका जो वीसा का जो स्टेटस है अंडर आउटसाइड प्रोसेसिंग में शो करेगा। तो जब तक KBC मेडिकल सबमिट नहीं होगा तब तक यही स्टेटस आपको दिखाएगा। जैसे KBC मेडिकल का रिपोर्ट सबमिट हो जाएगा उसके बाद आपको वीसा का जो स्टेटस है चेंज हो जाएगा। तो वीसा का स्टेटस क्या आएगा, वीसा का स्टेटस भी रेड टू प्रिंट में आ जाएगा। तो इस तरह से शो करेगा आपका जो वीसा है, अगर आप उस टाइम में चेक करेंगे आपका वीसा का स्टेटस इस तरह से शो करेगा, रेड टू प्रिंट में आ जाएगा, लेकिन आपका वीसा डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। आपका जो वीसा है रेड टू प्रिंट दिखाएगा लेकिन आप प्रिंट नहीं कर पाएंगे, डाउनलोड भी नहीं कर पाएंगे। तो उसके बाद और एक प्रोसेसिंग है, वो प्रोसेसिंग जब तक नहीं होगा तब तक आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। वो प्रोसेसिंग क्या है, का जो वीजा है और जिस कंपनी का वीजा है कंपनी को जो वीजा का जो फीस होता है
जो वर्क वीजा का जो फीस होता है, वर्क वीजा का जो फीस 300 रियाल वर्क वीजा का फीस है, जब तक आपका कंपनी वीजा का फीस नहीं भरेगा, जब तक 300 रियाल पे नहीं करेगा, तब तक आपका वीजा रेड टू प्रिंट दिखाएगा। जैसे आपका कंपनी आपका वीजा का फीस भर देगा तो उसके बाद वीजा का टाइम चेंज हो जाएगा, उसके बाद आपको प्रिंट का ऑप्शन भी आ जाएगा और डाउनलोड का ऑप्शन भी आ जाएगा। तो उसके बाद ही आप वीजा को प्रिंट कर सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपका ज़्यादा लेट होता है, आपका वीजा मेडिकल रिपोर्ट सबमिट हो गया है, आप मेडिकल में फिट है, मेडिकल रिपोर्ट सबमिट भी हो गया है, लेकिन आपका जो वीजा सिर्फ रेड टू प्रिंट दिखा रहा है, तो रेड टू प्रिंट से आपका जो वीजा डाउनलोड करने के तक आपका लेट हो सकते हैं, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा, आपका हाथ में नहीं है, वो सिर्फ कंपनी का हाथ में है। वो सिर्फ उस टाइम में जो वीजा का जो टाइमिंग का उस टाइम में कितना टाइम लगेगा वो कंपनी के हाथ में है। वो कंपनी का अगर बहुत अर्जेंट है तो बहुत जल्दी वीजा का फीस भर देता है, और कंपनी का अर्जेंट नहीं है वो लेट करता है। तो ये लेट कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा कितना लेट करेगा, उस कंपनी का बहुत अर्जेंट है, वर्कर बहुत जरूरत है, तो उस टाइम में वीजा का फीस बहुत जल्दी भर देगा। वो 3 दिन के अंदर भी भर सकते हैं, 4 दिन के अंदर भी भर सकते हैं, क्या 20 दिन भी लगा सकते हैं, तो ये ठीक ही नहीं है। तो ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा कंपनी का कितना अर्जेंट है। जब तक आपका कंपनी वीजा का फीस नहीं भरेगा तब तक आपका वीजा का रेड टू प्रिंट दिखाएगा, आप डाउनलोड ऑप्शन में आपको नहीं आएगा। जैसे आपका कंपनी वीजा का फीस भर देगा, जैसे 300 रियाल पे कर देगा, उसके बाद आपका वीजा का प्रिंट में आ जाएगा और डाउनलोड ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। तो वीजा आपको उसके बाद आपको वीजा आपका हाथ में आएगा, उससे पहले आपका वीजा हाथ में नहीं आएगा। तो यही वर्क वीजा का प्रोसेस है। जो नॉर्मली वर्क वीजा मिलने में कितना टाइम लगता है, देखिए टोटल जो टाइम होता है वर्क वीजा, अगर आप किसी भी कंपनी का बहुत अर्जेंट है, अर्जेंट का बेसिस में आपका वीजा जल्दी मिलेगा, कि आप अर्जेंट नहीं होगा आपका वीजा लेट में मिलेगा। तो वीजा प्रोसेसिंग का अंदर जो स्टेप है वो जो बहुत सारे स्टेप है कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा, और कुछ सारे स्टेप है जो कतर MOI जो ऑफिशियली वेबसाइट है उस ऑफिशियली वेबसाइट के ऊपर डिपेंड करेगा, और कुछ स्टेप है जो KBC सेंटर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये सब जो स्टेप पूरा कंप्लीट होने के बाद ही आपको वर्क वीजा मिलता है। टोटली जो टाइम लगता है कतर का वर्क वीजा मिलने में, आपका 1 महीना भी टाइम लग सकते हैं, 2 महीना भी लग सकते हैं। तो ये कंपनी का अर्जेंट का बेसिस में आपको टाइम लगेगा, कंपनी का बहुत ही जल्दी है, बहुत ही अर्जेंट है, तो उस चीज में आपको 20 दिन के अंदर भी आपको वर्क वीजा मिल सकते हैं। और कंपनी बहुत ही लेट करेगा तो उस चीज में आपको 2 महीना भी लग सकते हैं, और कंपनी बहुत ही लेट करेगा तो उस सेशन आपको 2 महीना भी लग सकते हैं। और इसके ऊपर कोई गारंटी नहीं है, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा कितना दिन में आपको लेके जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वर्क वीजा का प्रोसेसिंग के बारे में और टाइमिंग के बारे में आप लोगों को थोड़ा जानकारी मिल गया है, और टोटली कितना टाइम लगता है वर्क वीजा मिलने में, आपका इंटरव्यू से लेकर आपको वीजा आपका हाथ में आने तक कितना टाइम लगता है आप लोगों को थोड़ा जानकारी मिल गया है। और ये वीडियो से थोड़ा सा जानकारी मिला, थोड़ा सा अच्छा लगा, वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए, इसी तरह हेल्पफुल वीडियो सबको मिलता रहेगा।